आज की युवा पीढ़ी को कैसे हम संस्कारित कर सकें ताकि वह सुविधाओं के पीछे जो भाग रही है और नशे को अपना रही है, अपने जैन संस्कार और कुलाचार को भूल रही है, उसे कैसे बचा करके रख सकें, क्योंकि वह पढ़ाई के लिए छोटे नगरों कस्बों को छोड़ करके मेट्रो सिटी की ओर भाग रही है। ऐसे में कुछ इस प्रकार का मार्गदर्शन दे दीजिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। किसी भी व्यक्ति जब कोई विपरीत दिशा में दौड़ चुका हो, उसको लौटाने के दो ही कारण होते हैं, एक भय और एक प्रीति। जहाँ वह दौड़ रहा है उसके सामने कोई ऐसी भयानक भयपूर्ण प्रतीति हो जाए तो वह व्यक्ति तेजी से लौटेगा। तो हमें यह खोजना होगा जो दौड़ रहा है उस ओर दौड़ने वाले उसके आगे उसकी क्या भयानक स्थिति होगी, क्या खाई है, क्या जिंदगी का दुखदाई होगा, उसके संबंध में हमें अध्ययन करना होगा। हमें उस दौड़ने वाले से आगे दौड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति लौटाना चाहता है उसके पास एक ऐसी शक्ति हो कि उस दौड़ने वाले से आगे दौड़ जाए और दौड़ने वाले को आगे जाकर कहे आगे मत बढ़ना, बहुत बड़ा खतरा है, उस खतरे से वह वाकिफ हो और उस खतरे के माध्यम से उसको लौटाया जा सकता है। दूसरा कारण होता है लोभ। जिस रास्ते पर उसको ले जाना चाहते हो लौटा कर को, उसको उससे ज़्यादा प्राप्ति होना चाहिए। वो जिस रास्ते पर जा रहा है वहाँ जो उसको उपलब्धि होने वाली है उससे अधिक उपलब्धि की प्रतीति हमें उसके लिए कराना होगी। और जब वो अधिक उपलब्धि की प्रीति कर लेगा तो वह स्वयं अपने आप लौट जाएगा। जिस ओर दौड़ रहा है उस तरफ से भय और जिस तरफ पर लौटाना चाहते हो उस समय उसकी उपलब्धि, उसका भविष्य की उज्ज्वलता, उसके भविष्य में प्रकाश, वो जो चाहता है उसकी उपलब्धियाँ हम प्राप्त करा सकें तो वह लौट सकता है। जब भी कोई व्यक्ति लौटा है या तो ठोकर खा के चेतता है या फिर उसको इतनी अच्छी उपलब्धियां हो जाती हैं कि उनको पाने के लिए वो लौट पड़ता है। अब इसकी प्रतीति के लिए हमें खुद ही जो इसको सुधारना चाहते हैं, जो उसके गार्जियन हैं, उस गार्जियन को इतनी आप में शक्तियाँ अर्जन करना पड़ेंगे। अन्यथा स्वच्छंद व्यक्ति तो जिस तरफ ढाल मिलता है उस तरफ दौड़ जाता है, उसको एहसास कराना गार्जियन का काम कर्मभूमि में इसलिए चौराहे हैं, भोगभूमि में कोई भटकन नहीं होती इसलिए वहाँ गार्जियन नहीं होता। कर्मभूमि में गार्जियन की क्या जरूरत थी? माँ बाप क्यों जीवित रहते हैं? वो भूमि के समान मरण को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि वहाँ उनके बच्चों के लिए कोई चौराहे नहीं होते। कर्म भूमि में चौराहे हैं, इसलिए प्रकृति ने कर्म भूमि के जन्मे हुए जीव के लिए गार्जियन दिया, उसका दिशा निर्देशक दिया, माता पिता दिए। तो अब जब तक माता पिता नहीं चेतेंगे हम उस बच्चे को नहीं चेता सकते। वह तो ढाल की तरफ, हवाएं जिस तरफ की चलती है उस तरफ वो दौड़ेगा, क्योंकि बालक का आकर्षण न ये देखता है कि इसमें मेरा विनाश है, न देखता है उपलब्धि है, वह तो वर्तमान का आकर्षण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गार्जियन यदि चेत जाए, जो कर्म भूमि की व्यवस्था है कि बच्चे की जिंदगी उसके गार्जियन पर आधारित है। फिर उसके बाद आते हैं गुरुजन। देवताओं के कोई गुरु नहीं होते, भोगभूमि में कोई गुरु नहीं होते,
क्योंकि वहाँ भटकन नहीं है, एक ही रास्ता है। लेकिन कर्म भूमि में गुरुओं को उपदेश की बात होती है तो गुरुओं को खुद इतना अपने अंदर शक्ति जागृत कर सके कि वो तुम्हारी बातों में आकर के लौट जाए तो बहुत कुछ संभव है।